सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमोन बट गुड। तो पिछले एपिसोड में हम यहाँ पर सेटानी को क्रॉस करके बॉर्मेलियन सिटी आ चुके थे, जो है इस टाउन का, जो कांटो का हमारा फर्स्ट टाउन का जो है सिटी यहाँ पर। सो यहाँ पर हम कट सिखाने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा बेसिकली आपको जिम में जाने के लिए हमें कट का यूज़ लगने वाला। तो यहाँ पर कट सिखा देते अपने हेराक्रॉस को, तो हम यहाँ पर कौन सा मूव हटाए। सो फोकस ब्लास्ट आई एम गोइंग टू रिमूव बिकॉज क्लोज कॉम्बैट अच्छा मूव है एक फाइटिंग टाइप, और फाइटिंग टाइम मुझे एक ही मूव चाहिए। यहाँ पर मैंने फोकस ब्लास्ट को हटा दिया है गाइस। तो यहाँ पर जिम है तो फटाफट से चलते हैं। यहाँ पर थोड़े हैं, यहाँ पर घर भर हैं क्या, देख ले क्या। तो यहाँ रूट 11 है तो यहाँ पर तो नहीं जाना फिलहाल। तो मुझे लगता है घरों में एक बार जाके देखना ही चाहिए, फटाफट से घर में जाके देख लेते हैं। 2x2 कौन है ओवर मेडियट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिगलेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो घर है पहले सब अच्छे तरीके से चेक करते हैं, बाद में जाते हैं जिम को हराने में। और जिम जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक टाइप की है, तो गाइस मुझे लगता है कि हमारा ड्रैगन एयर जो है काफ़ी अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला कि सैफ्रॉन में एक मैग्नेट ट्रेन है, और इसने बोला कि वो मैग्नेट ट्रेन जोटो और कांटो को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गलती से यहाँ पर ऑफ द वीडियो आ चुका था, और मुझे इस चेयर मैंने दी थी रेयर कैंडी, सॉरी कि मैंने आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन ये चेयर मैंने मुझे रेयर कैंडी दी है। तो यहाँ पर मेरे पास बैग में एक रेयर कैंडी है जो मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे ये घर में दरवाजे ही नहीं है, तो यहाँ पर इस घर में चलते हैं और शायद ये घर भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम आराम से जिम को चैलेंज करेंगे, वरना आपके मन में डाउट ना हो जाए कि इस घर में क्या, इस घर में क्या। इसके लिए मैं आपके लिए सब सारे घर को यहाँ पे चेक करा रहा हूँ। रूट 6 आ गया, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं। तो चलो अब हम फाइनली चलते हैं जिम में। तो फाइनली हमारा जिम आ चुका है, कांटो का पहला जिम। देखते हैं इसके पजल्स कैसे होंगे। मैंने यहाँ पर वीडियो देखे, उसमें से थोड़ा हार्ड पजल्स हैं, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। पहला हमारे आज की बैटल होने वाली है, यहाँ पर इसके पास 3 पोकेमोन है, पिकाचू है पहला वाला। तो मैं ड्राइव, यहाँ पर मेरे पास 2 मूव है सब, ड्रैगन डस्ट और ड्रैगन पल्स। तो आई गोना यूज ड्रैगन पल्स, यहाँ पर ड्रैगन पल्स देखते क्या असर करता है, ठीक है भाई। आगे से तो गई है, आगे और ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करते हैं। बस एक चीज मत कर, तुम मुझे जितने अटैक से मारो मुझे पैरलाइज मत कर दिया करो, बहुत अच्छा आता है। तो कल यहाँ पर हमारा जो ड्रैगन है 47 लेवल का, और सॉरी अगर आपको थोड़ी नहीं देगी तो सिर्फ गार्ड ये सीख रहा है अपना ड्रैगन है, जो मुझे नहीं सीखा नहीं। तो इस चीज के बाकी सारे भी बहुत ही अच्छे हैं, जो अपन सेफ गार्ड को हमारे पोकेमॉन ने जो है वो 47 का सिखाया फ्लफी। तो यहाँ पर फ्लफी है दूसरा पोकेमॉन। मैं एक काम करता हूँ, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ अपने गेम की, जिससे आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। इस बार मैं ड्रैगन रश इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे चेक करना है कि जिम लीडर के पोकेमोन भी ऐसे ही कुछ होंगे, उसके पास शायद एम्फ्रोस और राइची होगा। तो ड्रैगन रश बेसिकली ड्रैगन पल्स से ज़्यादा अफेक्ट कर रही है क्या, देखना पड़ेगा। क्योंकि फ्लफी और पिकाचू में तो फ्लफी स्ट्रांग है, और फ्लफी को ड्रैगन रश से इतना असर पड़ रहा है, ठीक है भाई। ये क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी एक्वाटेल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत कम एच पी बाकी एस पी, तो फालतू में यहाँ पर अपनी पीपी गंवानी नहीं चाहिए। एक्वाटेल से इसकी ख़त्म कर दी। देखते इसके आखिरी पोकेमोन जो है, तो हमारी शर्ट स्किन एबिलिटी ने हमारा पैरालाइज जो हटा दिया, वो मुझे ड्रैगन एयर की बहुत अच्छी बात कर सकती है। इलेक्ट्राइट भाई, ये तो होएन का पोकेमोन है ना, तो ये अच्छी बात है कि हमें होएन के पोकेमोन से लड़ने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई इसका इलेक्ट्राइट जो है वो हार गया है, और वैसे कि मुझे पता है कि 28 पर जो इलेक्ट्राइक है वो माइनिंग ट्रिक में एक्सिट होता है। तो भाई क्योंकि मैंने एमराल्ड खेला हुआ है, तो यहाँ पर ये जो ट्रेनर है उसने अपने इलेक्ट्राइक को इवॉल्व नहीं किया, क्यों पता नहीं। जब एक और बैटल, मैं तो यहाँ इस वाले के पास जा रहा था, उसके से देख लिया, ओ भाई डबल बैटल, ठीक है। तो इस जिम के सारे हमारे जो बैटल है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। ओ भाई साहब 6 पोकेमोन, दिखाऊं क्या आपको या फिर मैं स्किप करूं। चलो थोड़ा दिखाई देते हैं, क्योंकि वरना आप बोलोगे कि मैंने चीटिंग की है। चलो शायद जिम लीडर से पहले ही मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस बैटल है यहाँ पर। तो ड्रैगन रश इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोड पे, भाई फिर से पैरालाइज हो गया हमारा ड्रैगन रश। चिंता मत करो, बाद में शेड स्किन एबिलिटी इसका पैरालाइजर ओवर कर देगी। तो ड्रैगन रश इस बार मैं करूँगा जोल्टियन पे, क्योंकि इसकी ज़्यादा एचपी बाकी है। तो और इलेक्ट्रोड पे हम सिग्नल भी इस्तेमाल करेंगे। ड्रैगन टाइप मूव का मुझे सही पोकेमोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही शॉक वेव मेरे ड्रैगन एयर पे ना मारे तो अच्छा है, क्योंकि एम्फ्रोस को तो सही असर पड़ रहा है, मतलब कम असर पड़ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड उसका हार चुका है,
अच्छा व्यापर भाई, ड्रैगन रश भी लगा दिया हमारे, तो इसके दो पोकेमोन ने हमारे ड्रैगनर और एम्फरोस की जोड़ी ने हरा दिए। मैग्नामाइट और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड। सो गाइस यहाँ पे मैं ड्रैगन रश इस्तेमाल करूँगा इलेक्ट्रोड पे, और थंडर नहीं, सिग्नल बीम इस्तेमाल कर। चलो मैं एम्फरोस को स्विच ही कर लेता हूँ, जिस मैग्नामाइट स्टील टाइप है ना, तो मुझे चुनना पड़ेगा हेराक्रॉस को। देखते हैं हेराक्रॉस को चुन के, हो को भी चुन सकता था अच्छा, लेकिन हो फ्लाइंग टाइप है तो क्यों ही खा मखा रिस्क लेना। ओ भाई साहब शॉक वेव भाई, ड्रैगन एयर पे ही मेरे बिचार ड्रैगन एयर पे जूम खा रहे हो सब। सो यहाँ पे मुझे हो को चुनना पड़ेगा, ये थोड़ा रिस्की मूव है क्योंकि इस ये जो है वो फ्लाइंग टाइप भी है। इलेक्ट्रोड पर सैक्रेट फायर और क्लोज कॉम्बैट मैग्नामाइट पे, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। भाई यहाँ पर मैं बैटल करने आया हूँ एलिट सर्च से, और यही मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वीडियो बनी बड़ी कर रहे हैं। क्यों भाई सही से रहो ना, क्यों बैटल करते हो, वो भी छः छः पोकेमोन लेके। चलो इनके कुल मिला के चार पोकेमोन तो हमने हरा दिया है, अब बाकी के दो बाकी हैं बस। ठीक है हमारा एम्फ्रॉस जो है बहुत ही अच्छे 51 पे आ गया, शायद हमारे अम्रियन से भी ज़्यादा हो जाएगा वो। ठीक है यहाँ पर अगले दो पोकेमोन का वोल्ट ऑर्ब है, ठीक है इलेक्ट्रोड को हरा देते हो, क्या चीज़ है, और इलेक्ट्रोड है सेक्रेट फायर ऑन इलेक्ट्रोड एंड स्ट्रेंथ ऑन वोल्ट ऑर्ब। चलो देखते हैं रोल आउट। ठीक है सेक्रेट फायर यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया हमने, देखते हैं कितनी जाती है इसकी, तो पूरी गई है बेसिकली। और आखिरी पोकेमोन जिसका वोल्ट ऑर्ब है, देखते हैं हमारे दो पोकेमोन है तो भाई स्ट्रेंथ से जाना चाहिए मेरे ख्याल से, स्ट्रेंथ से जाना चाहिए, नहीं गया। ठीक है अभी इस वाले मूव से तो जाएगा ही तू, इसके बाद हम बैटल करने वाले एलिट सर्च से। यार कितनी देर लगा रहे हराने में, चलो हराने में नहीं, इनके बहुत पोकेमोन क्वालिटी नहीं है इनके पास, ज़्यादा क्वांटिटी है इनके पास, इन ट्रेनर्स के पास। ठीक है सो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट से हील करने वाला हूँ, लेकिन आप बोर ना हो इसके लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं, अब मुझे पजल के बारे में इससे जानना पड़ेगा। यू लाइक लेजेंड इन द मेकिंग, यू लक ऑफ दिस टाइम, द ट्रैप्स ऑफ द जिम हैव बीन ऑफ वाटर फॉर अ वाइल, बट द ट्रैप्स आर बैक अप फॉर रनिंग नाउ, व्हाई लक यू मे आस्क बिकॉज यू कैन ट्रेन योर सेल्फ बेटर दैट वे, मेक अप योर माइंड एंड गो फॉर इट सर्च। क्या डायरेक्ट जाओ? नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं जा सकते, यहाँ पर इन ट्रैश में देखना पड़ेगा कुछ है क्या, आइटम वगैरह मिलते क्या, नथिंग बट आर ऑलरेडी ट्रैश। तो आज शायद कोई स्विच होगा जिसको दबाने से, ओ भाई यू हैव फाउंड द सीक्रेट स्विच ऑफ द ट्रैश कैन बी प्रेस द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फेंस इज अनलॉक। ठीक है तो नथिंग, इलेक्ट्रिक फेंस इज लॉक अगेन। सो गाइस यहाँ पे हमें दो इलेक्ट्रिक मतलब दो स्विच ढूंढने हैं, और दोनों को एक साथ ढूंढना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। सॉरी गाइस अगर आपको बीच में थोड़ी नॉइज़ आएगी, तो यार मेरी वीडियो में नॉइज़ आती ही रहती है, आपको भी आदत पड़ गई होगी, बस नज़रअंदाज कर दीजिए उसको क्योंकि छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। ओ भाई यहाँ पर सीक्रेट स्विच है, तो भाई मुझे अभी मेरा एक ही अटेम्प्ट है, और एक ही अटेम्प्ट में मुझे अपना जो दूसरा सीक्रेट स्विच करना है, तो या तो वो ये है इसके लेफ्ट साइड वाला, और या तो है इसके सामने वाला, तो मुझे एकदम करेक्ट अटेम्प्ट लगाना पड़ेगा। यार कौन सा लगाओ, एक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़। ठीक है मैं रिस्क लगा कि ये ऊपर वाला लगा देता हूँ, देखते हैं। यार नहीं था, क्या आदमी हूँ मैं, फिर से यहाँ पर इससे चेकिंग करना, इससे स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। चलो यहाँ पे इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते, ओ यहाँ पे है सीक्रेट स्विच भाई, अभी यहाँ पर ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला देखते हैं। हाँ गाइज यहाँ पे हमने दोनों सीक्रेट स्विच को अनलॉक कर दिया है, तो भाई इतनी हार्ड भी नहीं थी, यहाँ पर समझ में जल्दी आ गई थी वैसे। क्या मैं पोकेमोन को हील तो करा के आया कि मैं बस मर जाऊँ तो अपना चेहरा दिखा के आया? ठीक है मैंने हील कर दिया है, कुछ भी करता हूँ मैं, मेरा कुछ भरोसा नहीं मेरे को खुद को ही है। गाइज यहाँ पर मुझे बैटल होने वाली है। हे यू लिटिल टाइके, इट मे नॉट बी वेरी स्मार्ट टू चैलेंज मी, बट इट टेक्स गट्स व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन आर नंबर वन। आई हैव नेवर लॉस्ट ऑन द बैटल फील्ड, आई जैप यू जस्ट लाइक आई डू माई एनिमीज इन बैटल। सो गाइस यहाँ पर हमारी एलिट सर्च के बाद बैटल हो चुकी है, पांच पोकेमोन इस बंदे के पास। राइट यू चुना है भाई तूने भाई 51 का, दैट इज नॉट गुड ब्रो, दैट इज नॉट गुड। एवेंजर स्नोस हो गया भाई हमारा, मिस मत कर देना अटैक, नो भाई नो, इतना इवेशनस अपना मत बढ़ा दे तू, बस दो दो या तीन तीन ड्रैगन रश खा जा। तो ड्रैगन रश मारता है इसको, शॉक वेव कितने असर भाई, मेरा ड्रैगन एयर अगर ड्रैगन नाइट होता तो बिल्कुल
असर नहीं, ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो है ड्रैगन नहर है, तो यहाँ पर ड्रैगन नहर पर मैं पहली बार इतने डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि एलीट फोर में तो बाकी पोकेमोन ने अपना काम कर दिया था। ठीक है गाइस, यहाँ पर इसका पहला पोकेमोन जो हार चुका है मैग्नेटोन आ रहा है, तो मुझे इसके लिए अभी हो की मदद है, क्योंकि ड्रैगन एयर को थोड़ा आराम दे रहा हूँ मैं, और हो को चुन रहा हूँ इस मैग्नेटॉन के खिलाफ। और इस्तेमाल करने वाले हम सेक्रेट फायर, क्योंकि इधर स्टील टाइप भी है मैग्नेटॉन, तो अच्छा जाएगा एचपी। और दूसरा पोकेमोन हमने इसका हरा दिया गाइस, तो इतनी टफ बैटल अभी तक तो नहीं दिखी है। इलेक्ट्रोड इज़ द थर्ड पोकेमोन, मैं सेक्रेट फायर इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि जो रैंडम बैटल्स में जो इलेक्ट्रोड था वो भी मेरे एक सेक्रेट फायर से जा रहा था, वो भी 47 लेवल का ही था। तो मैं यहाँ पर सब कैलकुलेशन रखता हूँ जिम बैटल्स के दौरान, और ये रैंडम बैटल जो है जिम लीडर को ही वीक कर देते हैं, क्योंकि मैं उनके सारे पोकेमोन के बारे में आइडिया आ जाता है। ठीक है, इसके पूरे तो नहीं, लेकिन हालात इसके मैंने 72 कर दिए भाई, इसको पूरा सिर्फ 10 HP पे बाकी रखा था मैंने। ठीक है भाई, बर्न कर दिया था, लेकिन इसने फुल रिस्टोर यूज़ कर दिया, फिर से बर्न कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो अभी सेक्रेट फायर का ओवर यूज़ मत करो, और सीधा फायर ब्लास्ट करना है, शॉक वेव। ठीक है, बस मेरा एक फायर ब्लास्ट लगने दो, इसका भी गेम ओवर। ओ भाई, मुझे शायद से लगा था, क्योंकि फायर ब्लास्ट की एक्यूरेसी बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोड इज़ द फोर्थ पोकेमॉन, भाई मुझे ड्रैगन एयर को चुनना चाहिए, मैं कब से इसको ही चुना जा रहा हूँ भाई। हो काम कर रहा है, तो ड्रैगन एयर की ज़रूरत क्या है? अगर बाई चांस हार जाता है, तो अपन ड्रैगन एयर को चुन सकते हैं ना। हो पूरा काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बर्न कर दिया हमने इसको, एक्स्ट्रा सेंसरी गलती से लग गया मुझे, असल में फायर ब्लास्ट मारना है, कहीं यहाँ पर गलती का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा तो अच्छा है। हो यूज़ फायर ब्लास्ट ऑन इलेक्ट्रोड, तो भाई ठीक है, यहाँ पर लगा दिया हमने फायर ब्लास्ट, और बस एक सेक्रेट फायर भी लग जाए तो बस है भाई, इसका आखिरी पोकेमोन ही बाकी होगा ना फिर, और मेरे 6 पोकेमोन तो कैसे तो भी डिफीट कर ही देंगे। ठीक है, तो स्पेशल अटैक इसका रोज कर दिया इसने, लेकिन वो स्पेशल अटैक रोज करके तो नेक्स्ट बैटल में यूज़ करना, नेक्स्ट ट्रेनर के खिलाफ, क्योंकि हमने तो तुझे हरा दिया है। अगला आखिरी पोकेमोन जो इसका इलेक्टेबस है, तो इसके लिए मैं ड्रैगनेयर को चुनने वाला हूँ, क्योंकि इलेक्टेबस का मैंने इलेक्टेबस के साथ इस गेम में कोई एक्सपीरियंस नहीं मेरा, कैसा हुआ है। ठीक है, इट्स नॉट ओवर येट, इट्स जस्ट बिगनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अभी तक ये तो ट्रायल था, अभी मैच शुरू हुआ है असल में, तो अभी तक मैं टाइम पास कर रहा था ना। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रैगन रश अच्छा खासा HP गवाया इस इलेक्टेबस ने अपना। ठीक है, तो एक और ड्रैगन रश, ओ भाई लाइट स्क्रीन ने भाई इसका थोड़ा स्पेशल डिफेंस बढ़ा दिया। ओ भाई ड्रैगन रश मिस मत कर दियो बस, शॉक वेव इस्तेमाल कर रहा है। सो सॉरी गाइज, अगर आपको बीच में कुछ भी नॉइज़ आई होगी तो, और गाइज यहाँ पर हमने इसको ड्रैगन रश अटैक कर दिया, इसने हमारे को हम शॉक वेव अटैक करके 4 HP पे गवा दिया है। सॉरी गाइज, मैं वीडियो पॉज करना भूल गया था, मैं यहाँ पे कुछ भी बात करने लग गया था, सॉरी 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 उसके लिए। प्लीज़ यहाँ पे अनसब्सक्राइब मत करना, गालियाँ वालियाँ मत लिख देना कमेंट्स में, और डिसलाइक मत करना प्लीज़ ना प्लीज़। यहाँ पे ड्रैगन रश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसने फुल रिस्टोर इस्तेमाल करते हैं इस पर। सो भाई साहब, शायद ये हमारा ड्रैगन एयर का एंड हो सकता है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा हाइपर पोशंस, क्योंकि इसने भी यूज़ किया, तो अभी मुझे इसके 2 अटैक झेलने पड़ेंगे भाई, 2 अटैक अच्छे खासे हो, क्विक अटैक है पहला तो। ठीक है, तो मुझे भाई ड्रैगन रश बस मेरे पास 2 है भाई, एक से आधी जाती है दूसरी से आधी गई, तो वो भी काफ़ी है बस, बस दोनों में से कोई एक मिस ना होना चाहिए। ठीक है, तो लाइट स्क्रीन का भी इफेक्ट ऑफ हो चुका है, शॉक वेव चलो भाई चलेगा, बस मेरा मूव मत करो, मुझे पैरालाइज मत कर। ठीक है, पैरालाइज तो नहीं हुआ भाई, मूव मिस हो गया, वाह, तो मुझे ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्विक अटैक। ओह शिट्स, तो क्रिटिकल हिट अभी लगनी थी देखो। ठीक है, बार बार ठीक है बोलना भी ठीक नहीं है। अमरीओन इस्तेमाल करते हैं आप इस, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पोकेमोन है ही नहीं जो इसको अटैक कर पाए। यहाँ पे शेडो बॉल इस्तेमाल करते हैं, लो किक। ओ भाई साहब फाइटिंग टाइप मूव है, चलो जाए, इतना असर तो नहीं किया कि हम दिक्कत में आए। टेक डाउन इस्तेमाल करते हैं, लो किक। ओ भाई ये मूव टू मूव अपना अटैक पावर बढ़ा रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने एलीट सर्च को हरा दिया है, और यहाँ पर हमारा अमरीओन भी 52 लेवल का हो चुका है। सो गाइस, हमने कांटो की पहली जिम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आ रही है, आसान नहीं कहूँगा, अच्छी तरीके से आ रहा दी है। थंडर बैच हमें मिल चुका है एलीट सर्च से, तो ठीक है, हमें TM-34 मिल चुका है, और यहाँ पर शॉक वेव
ठीक है, ये अच्छा मूव है, तो यहाँ पे चलते हैं। और दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। भाई एक पेड़ बार बार उग जाता है क्या? कौन उगा के जाता है भाई? एक बार हाथ में लग जाइए भाई, उसके लिए मुझे पूरा कट सिखाना पड़ा मेरे हेरा क्रॉस को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और बीच में अगर आपको कोई भी साउंड आया होगा और इलेक्ट्रबस की HP कम होती भाई नहीं दिखी होगी तो उसके लिए सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गुड बाय बाय बाय, पीस आउट।